नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अजय वर्मा। फरीदाबाद में आज का दिन राजनीतिक तौर पर बड़ा ही भागदौड़ वाला रहा। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के दो उम्मीदवारों ने आज नामांकन भरा है, जिनका नामांकन भरने के लिए आज हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर फरीदाबाद पहुंचे। सबसे पहले वो पहुंचे फरीदाबाद के सेक्टर 16 सागर सिनेमा पे, जहां पर विपुल गोयल के द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया और उसके बाद दल बल के साथ इकट्ठा होकर जो है वो फरीदाबाद के सेक्टर 12 पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने जो है पहले राजेश नागर, जो कि तिगांव विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं, उनका नामांकन पर्चा भरवाया। वहीं उसके बाद फरीदाबाद 89 विधानसभा क्षेत्र से विपुल गोयल का नामांकन पत्र भरवाया। वहीं नामांकन पत्र भरने के बाद मीडिया से रूबरू हुए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, और उन्होंने जहां अब की बार तीसरी बार फिर से हरियाणा में भाजपा की सरकार का नारा दिया, वहीं कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया, और उन्होंने क्या कहा आप सुनिए। मित्रों, जैसा हमको पता है कि लोकतंत्र का ये पर्व जो हर बार 5 साल बाद आता है, हरियाणा विधानसभा नामांकन शुरू हो गए हैं। हमने अपनी पहली सूची 67 कैंडिडेट की जारी की है और उसमें नामांकन शुरू हो चुके हैं। अभी तक 6-7 तारीख 2 दिन नामांकन हुए हैं, अभी 4 दिन और शेष हैं। आज को मिला के 8, 9, 10, 11, 12, तो इसमें सभी कैंडिडेट्स जो सूची बची है वो भी जल्दी घोषित हो जाएगी। सबके सब 90 कैंडिडेट्स का जो नामांकन होगा। नामांकन के अवसर पर जो मुझे वातावरण दिखा है आज फरीदाबाद में, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हरियाणा में पुनः तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, और उसके स्पष्ट संदेश जो है, पहला संदेश तो यही कि सामान्यतया जब केंद्र में कोई सरकार होती है तो प्रदेशों में भी हरियाणा के अंदर वही रिपीट होती है। दूसरा, कांग्रेस ने क्योंकि अपनी हार मानने के लिए आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस ने अभी से अपने सहयोगी ढूंढने शुरू कर दिए हैं। सुना आम आदमी पार्टी के साथ कुछ उनका समझौता हो रहा है, समाजवादी पार्टी के साथ हो रहा है, अन्य दल भी गठबंधन के नाते से अलग अलग तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा कि वो सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा, 10 साल की उससे पहले जो कांग्रेस की सरकार 10 साल की रही, वो जितनी भी उनकी ज्यादतियां थी, जितने उनके कारनामे थे, जनता भी भूली नहीं है। जनता को पता है कि उस समय कैसे मंत्रियां ली जाती थी, कैसे हफ्ते लिए जाते थे, कैसे उनके जो कमीशन हैं वो कमीशन खोरी करके और घूमते रहते थे। आज उन सबको, जो उनके कमीशन खोर थे, उनको बेकार हो गए हैं, वो घर बैठ गए हैं। और जनता को जो सेवा आज यानी घर बैठे मिलती है, कमीशन एजेंटों के माध्यम से नहीं मिलती है, चाहे वो पेंशन हो, चाहे राशन हो, चाहे और बातें हो, आज मुझे कहने में गर्व महसूस कर रहा हूं मैं कि जितनी संख्या बीपीएल की उनके समय में थी, 27 लाख उनके समय में बीपीएल कार्ड थे, आज 52 लाख कार्ड और जो आयुष्मान भारत की योजना का लाभ ऐसे परिवारों को मिल रहा है। इसमें एक और बात मैं जोड़ना चाह रहा हूँ कि हमारा जो वोटर है वो बहुत यानी हम वो साइलेंट वोटर है। हमारा वोटर उनकी तरह ना तो शोर मचाता है ना गालियां देता है। हमारा वोटर उनकी गालियों का जवाब भी गालियों से नहीं देना चाहता। एक सभ्यता के हिसाब से, एक शिष्टाचार के नाते से हम चुनाव में आगे बढ़े हैं और निश्चित रूप से जनता जो है इस बार भारी मतों से हमारे सभी कैंडिडेट्स को पेंडिंग है, कब पर्दा उठेगा जी? देखिए, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम होता है। हमने अपनी ओर से, प्रदेश की ओर से जो रिकमेंडेशन करनी थी, जो परामर्श हमारे से होना था, वो तो हो चुका है। मुझे लगता है कुछ आज कुछ कल ऐसा करके सब 23 एक साथ भी हो सकती हैं और दो बार में भी हो सकती हैं। वो कुछ सीटें ऐसी होती हैं कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में देखना होता है, कुछ समीकरण देखने होते हैं और कुछ कांग्रेस भी क्या करती है, थोड़ा लोकतंत्र में ये भी देखना होता है। तो उनकी सीट कब डिक्लेयर होती है, अकॉर्डिंगली हम उनसे पहले करेंगे, ये मुझे पता है। जो काला काला चश्मा है उसके पीछे मित्रों, मैं बड़ा मुझे एक बड़ी पिछले 2-3 दिन से एक बात जो कान में सुनने को मिली, कांग्रेस के लोगों ने इसको मुद्दा बनाया है। वो कहते हैं हरियाणा में तो सब ठीक ठाक थे, दिल्ली में जाके काला चश्मा लगाना शुरू कर दिया। मैं आपको विनम्रतापूर्वक बता रहा हूँ कि मेरा कैटरेक्ट ऑपरेशन हुआ है दोनों आंखों का, और डॉक्टर जो है सलाह देते हैं कि भी धूप से और बाकी चीजों से
ज्यादा तीखा प्रकाश ना पड़े तो महीना भर काला चश्मा लगाना पड़ता है। महीने के बाद मैं इसको आप चाहोगे तो मैं हटा दूंगा, आप नहीं चाहोगे तो मैं लगा दूंगा। पिछली बार 75 पार कर दिया था, इस बार क्या कहते हैं? 85 बताया है। मैंने बताया, देखिए इस बार भाजपा हरियाणा में तीसरी बार, ठीक है ना। कांग्रेस वाले जो दावा कर रहे हैं कि सरकार ये बना रहे हैं, इनको क्या संदेश देंगे? कौन सरकार बना रहे हैं? कांग्रेस ने दावा नहीं, मैंने तो कहा दावा तो सब करेंगे, लेकिन मैंने उनको कारण बता दिया आपको सारे स्पष्ट कि वो सरकार नहीं आ रही है। देखिए असंतुष्ट हमारे अपने जो पार्टी के लोग हैं उसमें हमारा अपना एक संबंध ऐसा है कि उनको बात कर करके, क्योंकि पहली बार नहीं हुआ है, ये हमेशा ही होता है, और उसमें कोई आदमी अपने पार्टी के निर्णय का एकदम अच्छी मन से स्वीकार कर रहता है, किसी के मन में होता है कि नहीं नहीं ये तो मैं दावेदार था, मुझे मिलनी चाहिए थी, दूसरा करता मुझे मिलनी चाहिए थी, तो ये स्वाभाविक होता है। लेकिन हमारा नेटवर्क इतना ज्यादा है, हमारे संबंध पारिवारिक संबंध है, हम एक एक करके सबको मना रहे हैं और सब मानेंगे। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की कभी वो नहीं होती। चुनाव प्रचार की रणनीति क्या रहेगी? कौन कौन दिग्गज हरियाणा की धरती पर आ रहे हैं? देखिए आज संभवतः हमारे 40 जो स्टार प्रचारक हैं उनकी सूची घोषित हो जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे गृह मंत्री जी हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, और आसपास के प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, हमारे अपने मुख्यमंत्री हैं, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे यहाँ के जो हरियाणा के जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जिसमें कृष्णपाल जी हैं, मेरा नाम भी है उसमें, हम सब लोग, अपने राव इंद्रजीत जी भी हैं, ऐसे सब लोग, और चुनाव में जहां जहां जिसकी आवश्यकता होगी हमारा पार्टी कार्यालय रोहतक में चुनाव कार्यालय उसकी योजना